ये BS4 इसका एकदम मतलब RS का जो BS4 वाला वर्जन है ना वो सबसे बेस्ट है हर चीज़ में, क्योंकि इसकी हैंडलिंग भी मस्त है, इसको आप लॉन्ग राइड पे भी लेके जा सकते हैं, मज़ा आता है इसको लेके जाने। यही अपने लल्ला भाई। हाँ आएंगे ना, आएंगे ना भाई, आएंगे। वेलकम टू द चैनल और मुसाफिर के एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खुश होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो है इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर, कि ये बाइक आपको क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। इसके 5-5 रीज़न हैं, बट डिसएडवांटेजेस तो उतने हैं नहीं, क्योंकि ये गाड़ी है ही ऐसी जिसमें बहुत कम डिसएडवांटेज है। मतलब डिसएडवांटेज के नाम पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप ठीक कर सकते हैं, बस सिर्फ एक दो चीज़ है जो मेन है, एक है गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर और दूसरा है इसका स्लीपर क्लच, बस। उसके बाद टायर साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, वाइब्रेशन आप उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, आप हैंडल कर सकते हैं, बस यही कुछ चीज़ें हैं। सभी लोग सोच रहे होंगे कि मुसाफिर चैनल का नाम है लेकिन ये घूमता कम है, गाड़ियों के बारे में ज़्यादा बताता है, क्योंकि मैं मोस्टली तो गाड़ियों से जुड़ा हूँ। मतलब मुझे गाड़ियाँ चलाना पसंद है, मैं बाइक राइडिंग से मेरा शौक़ है बाइक राइडिंग, और बाइकों के बारे में नॉलेज लेना और आगे बढ़ाना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं अपनी हर वीडियो में एक ना एक बाइक के बारे में बात करते रहता हूँ, और अपने जितने वीडियो आएंगी आगे वो ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते किधर राइड पे जाऊँ, उतना तो पॉसिबल नहीं है, बट अपन कुछ ऐसा करेंगे कि हर एक नई नई गाड़ी जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, जो जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, जिस गाड़ी तक, जो गाड़ी मैं चला सकता हूँ या जिस गाड़ी का मैं रिव्यू बना सकता हूँ, तो वो भी बहुत सारी वीडियो आएंगी ऐसी रिव्यू की, कंपैरिजन की, गियर चैलेंज की। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और राइड भी करना है बहुत सारी। रमज़ान से पहले भी एक राइड इंशाल्लाह पूरी करेंगे अपन, जाएंगे किधर ना किधर, छोटी मोटी जगह जाएंगे किधर, छोटे राइड पे 100-150-200 किलोमीटर तक। अलीबाग भी जाना है अभी इसको लेके, अभी सोचा नहीं है किधर जाना है, तो वो तो नेक्स्ट ट्रिप पे ही पता चलेगा किधर जाना है। तो मिलते हैं बाइक पे और आपको बताता हूँ 5 एडवांटेजेस इसके और 5 डिसएडवांटेजेस। राइड करेंगे, कहाँ तक जाते हैं देखते हैं, बट मेन आज की वीडियो जो है वो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। अपने RS की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब आपको क्यों लेना चाहिए और ये गाड़ी और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो पहले चलते हैं, थोड़ा राइड करते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छे स्पॉट पर रुक के मैं आपको सब डिटेल देता हूँ इसकी, क्यों ये बेस्ट है और क्यों इसको रेसिंग स्पोर्ट्स बोलते हैं और ये टूरिंग के लिए भी बेस्ट है। चलिए, मामा खड़े हैं भाई इंतज़ार में, आज अकेले ही वीडियो बनाने निकला हूँ। चलो, खुल गया सिग्नल। हाँ, तो शुरुआत तो अपन डिसएडवांटेजेस से करेंगे। ओ तेरी, घुस गया। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पॉइंट से। तो पहला डिसएडवांटेजेस, मतलब डिसएडवांटेज जो है इसमें वो है गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर। इसमें अपने को गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर नहीं देखने मिलता है, बाकी इससे छोटी सेगमेंट जो वर्जन 3 है, फेयरिंग में बोल लो आप, MT15 में भी सेम इंजन ही है, तो उसमें तो दिया हुआ है अपने को गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर। इसमें जब से ये आई है, 2015 में इसका फर्स्ट वेरिएंट आया था, जब से ये सेम ऐसे ही है, मतलब विदाउट गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर से इसमें शिफ्टिंग इंडिकेटर्स है ही नहीं, मतलब गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर बोल सकते हो आप या गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स, ये दोनों चीज़ें इसमें है ही नहीं। सिर्फ वही एक चीज़ कि इसके मीटर में मेन कमी है, बाकी डिजिटल और एनालॉग तो है ही इसमें, और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट लगता है इसमें देखने के लिए, और चलाने में जो फील आता है ना इसका, जब RPM मीटर हाई होता है हाई रेप्स में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज है नहीं बताने के लिए, कि RS इज़ द बेस्ट मोटरसाइकिल इन 200cc सेगमेंट, बिकॉज इससे अच्छी गाड़ी इतने कम प्राइस में इतने फीचर्स के साथ कोई नहीं प्रोवाइड करती। और ये जगह पे मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, हम लोग यहाँ आते थे दीपेश को गाड़ी सिखाने, हमारे साथ कॉलेज पढ़ा हो इधर ही किधर,
वो भी आएगा बहुत जल्दी व्लॉग में एक आधे। मैं ढूंढ रहा हूँ जगह जहाँ इसको लगा के अपन आगे की बात कर सकते हैं। पहला तो गियर शिफ्टिंग हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है इसमें वाइब्रेशन, वो तो है ही। अगर आप इसको ऑफ रोड कर लिए ज़्यादा तो ये इसकी बॉडी वाइब्रेट होने लगेगी, स्क्रू नट बोल्ट सब इसके लूज़ हो जाएंगे। और ये जब से बड़ा वाइज़र बड़ा किया मैंने, मतलब कस्टम वाइज़र लगाया है इसमें, डबल बबल वाइज़र जब से लगाया है तब से थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ गया है फेयरिंग साइड से। ये रहा दूसरा जो है वाइब्रेशन, ये रही NS जो कि सेम इंजन शेयर करते हैं दोनों जन, NS और RS। और है इसकी हार्ड गियर शिफ्टिंग, अगर इसमें कंपनी स्लीपर क्लच दे देती जो कि है थर्ड डिसएडवांटेज इसका जो है गियर शिफ्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड गियर शिफ्टिंग है, कट कट आवाज़ आती है गियर डालते टाइम। आप कितने भी प्यार से गियर डालो लेकिन आवाज़ आएगी इसमें, यही एक इसका गियरिंग का जो डिसएडवांटेज है वो मेन यही है। तो अगला जो डिसएडवांटेज है इसमें वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस पे ये बहुत मार खाती है। अगर आप इसको डबल सीट बिठा के और राइड करोगे डबल सीट पे, अगर कोई हैवी होगा आपके पीछे तो ये ज़रूर नीचे इसका अंडरबेली टच होगा, और 100% टच होता ही है डबल में क्योंकि बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस है। इसको राइडिंग मतलब टूरिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस उसमें बहुत वीक है, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बहुत वीक है। तो ये हो गया इसका चौथा पॉइंट डिसएडवांटेज जो है ग्राउंड क्लियरेंस। अरे तेरी, जिधर जा रहा हूँ उधर रास्ता बंद हो जा रहा है, इधर किधर रास्ता है ही नहीं लगता लंबा। चलो बाहर मेन पे ही जाएंगे। पांचवा है इसका टायर साइज, वर्जन 3 में इससे ज़्यादा मोटा टायर दिया जाता है। इसमें 130 सेक्शन का टायर है, उसमें 140 सेक्शन का टायर है। इसमें लीन करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता 130 पे जितना 140-150 पे आता है। इसको अप साइज भी करा लेंगे लेकिन जो कंपनी दे सकती है उससे कंपेयर तो नहीं कर सकते ना अपन। तो ये थे इसके 5 डिसएडवांटेज। अब मैं आपको फटाफट इसके बता देता हूँ क्या थे 5। पहला था गियर इंडिकेटर, दूसरा था वाइब्रेशन, क्योंकि ये फेयरिंग बाइक्स में वाइब्रेशन होता ही है और इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है लेकिन है, लगता है कि वाइब्रेशंस है इसमें। तो ये था दूसरा, मतलब स्लीपर क्लच जो तीसरा डिसएडवांटेज है इसमें। चौथा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो कि सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कम है। पांचवा है टायर साइज। तो डिसएडवांटेजेस तो ख़त्म हो गए अपने, यही वैसे तो ये ज़्यादा कुछ मैटर करते नहीं, जो मोस्टली है एक क्लच और एक इसका टायर साइज बस। बाकी सब चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपन, ज़रूरी नहीं है कि गियर शिफ्ट देख के ही किया जाए। चलो थोड़ा खोलते हैं अब इसको। चेंबूर का एक राउंड मार के आते हैं। क्या साउंड कर रही है भाई, मज़ा आ गया। यही चीज़ में तो शाइन करती है RS। डाउन शिफ्ट का साउंड सुनिए सिर्फ, दहाड़ रही है भाई ये तो। चलो उतरने के बाद यूटर्न लेते हैं और आपको थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो बताने हैं। अभी तो सिर्फ नेगेटिविटी हुई है, थोड़ा कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए तभी तो मज़ा आएगा। ये BS4 इसका एकदम मतलब
RS का जो BS4 वाला वर्जन है ना, वो सबसे बेस्ट है हर चीज़ में, क्योंकि इसकी हैंडलिंग भी मस्त है। इसको आप लॉन्ग राइड पे भी लेके जा सकते हैं, मज़ा आता है इसको लेके जाने, हैंडलिंग अच्छी है। मतलब इसके क्या ही मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊँ, सब में तो ये शाइन करती है। ये जगह का यही है, इधर हमेशा ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। चलिए, मेरा जब से जे माउंट टूटा है तब से डर लगता है गाड़ी भगाने में, कब गिर के टूट जाए भरोसा नहीं। तो अब बात करते हैं इसके 5 पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो जिसमें सबसे पहला है वो तो है इसकी सिटिंग पोजीशन, जो बेस्ट इन क्लास है। मेरा मतलब ये था कि सिटिंग पोजीशन तो इसकी एक नंबर है। लॉन्ग राइड आप आराम से कर सकते हैं इसके ऊपर, आराम से। चलो इधर से निकलने के बाद बात करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, जो है प्राइसिंग। वैसे उसको होना तो पहले नंबर पर चाहिए था, बट ठीक है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जिसमें ये मिलती है, इतने प्राइस रेंज में 170,000 या 180,000 के जो सेगमेंट है, उस प्राइस रेंज में ये सबसे ज़्यादा फॉर मनी बाइक है। क्योंकि इसके जितना ना ही पावर किसी में, ना ही लुक्स किसी में, ना ही हैंडलिंग किसी की ऐसी है, बस कुछ चीज़ों में करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उतना चलता है क्योंकि प्राइस उतना नहीं है ना। RC इससे कम टॉप स्पीड अचीव करती है, बट फिर भी इससे महंगी है। ड्यूक इससे कम टॉप स्पीड अचीव करती है, बट फिर भी प्राइस ही है, इससे ज़्यादा प्राइस है उसका। इतना इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। तीसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। KTM's की बाइक का मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली होता है, बट ठीक है, शॉक बड़ी चीज़ है तो उतना मालूम नहीं पड़ता, बट फिर भी मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस है ना। अरे खींच रहा बाहुबली है। तो इसके तीसरे में जो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस है जो इसका तीसरा पॉइंट, उसमें एक सबसे मेन चीज़ ये है कि इसके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत आसान है। मतलब जल्दी इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, और जो इसके पार्ट्स का प्राइस है वो भी अदर ब्रांड से थोड़ा, मतलब कम पैसे में इसका पार्ट्स आ जाता है। मतलब ये सस्ता है थोड़ा, इसके पार्ट्स थोड़े सस्ते हैं, और ये दिखने में भी इतनी अच्छी है, टॉप स्पीड भी अच्छी अचीव कर लेती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, जो है फोर्थ नंबर पे, वो है इसका माइलेज। इसका माइलेज हाईवे पे आप चलो, आपको आराम से 35 to 37 आराम से दे देगी हाईवे पे। और अगर आप अच्छा चलाते हैं, मतलब आपकी राइडिंग स्किल्स अच्छी है, आप टाइम टू टाइम गियर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आपको 40 भी दे देगी, क्योंकि BS3 जो है वो 40 आराम से दे देती है। और ये तो उससे थोड़ी रिफाइनमेंट में थोड़ी ऊपर है, तो इसको तो डेफिनेटली थोड़ा देना ही है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट एडवांटेज है इस गाड़ी का, वो है इस सेगमेंट में इससे अच्छी गाड़ी है ही नहीं। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, मतलब ये नहीं था पॉइंट। पांचवा पॉइंट था इसकी टॉप स्पीड। 200cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव करने वाली बाइक है ये। 168 टच हो जाती है, 150-145 तो बहुत आराम से कर लेती है। ड्यूक और RC MT15 MT15 ले लीजिए आप, और उसके बाद में R15 वर्जन 3 ले लीजिए, अपाचे 200 ले लीजिए 4V, हीरो एक्सपल्स वो तो आती नहीं इस कैटेगरी में इतना, लेकिन ये सब गाड़ियों के जितने के नाम लिए मैंने, वो इसके आसपास भी नहीं दिखेंगी अगर ये इसको अच्छे से, मतलब आसपास भी नहीं दिखेंगी इसके अगर इसको उनके साथ ड्रैग किया जाए तो। क्योंकि KTM की जितनी भी 200cc की गाड़ियाँ हैं वो सब 135-137 पे जाके लॉक हो जाती है, और ये 160 टच कर लेगी, उनके बाजू से निकल जाएगी, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेंगे वो लोग। तो यही ऐसे बहुत सारी खासियत है इस गाड़ी में। अच्छी हैंडलिंग है, आप आराम से zigzag कर लेंगे, एकदम निम्बल है ये, देख रहे हैं। बट इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है,
बट वो मैनेजेबल है। आप इसमें अच्छे टायर्स डालिए, इस गाड़ी को मेंटेनेंस अगर बराबर मिलता रहा ना तो ये इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं है 200 सेगमेंट में। ऐसा नहीं है कि मैं चलाता हूँ इसके लिए ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ड्यूक 390 इसके पहले ओन करता था, बट मेरा दिल तो RS पे ही था पहले से, क्योंकि ये जैसी दिखती है, बट मेरे पास BS3 ड्यूक 390 थी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो उधर उसकी पोस्ट है पहले की कुछ, और ये यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी मैंने जो डाला था RS 200 और KTM 390 बोल के एक शॉर्ट डाला था, उसमें भी है वो गाड़ी। बट भाई KTM की गाड़ियों का जो पिकअप है इंस्टेंट, ड्यूक 390 Z900 से ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो रखती है। अब आप सोच लीजिए कि Z900 किधर और ड्यूक 390 किधर, बट फ़र्क है दोनों में। इसमें स्लीपर क्लच और होता ना, कसम से मज़ा आ जाता है, इसका मज़ा ही कुछ और होता फिर इसको चलाने का। चलो आ जाओ, आज अपने ऑफिस का भी एक राउंड मार के आते। तो यही थे इस वीडियो के 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस। ये वडाला RTO वाला जगह जहाँ हमारा ऑफिस था, हमारे लल्ला भाई का ऑफिस है इधर। यही अपने लल्ला भाई। हाँ चालू है, चालू है। हाँ आएंगे ना, आएंगे ना भाई, आएंगे। क्या बोलते हो विशाल सर, मजे में? आज गुरुवार है क्या? हाँ आज गुरुवार था। ऐसी अच्छे और बाइक से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुसाफिर को दुआ दीजिए।